नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो उन सभी के लिए है जिनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, हर समय कलह बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिनको घर में रखने से वह लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ भी इस लड़ाई झगड़ा को खत्म करने के लिए उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर घर परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि जिस घर में चार बर्तन होते हैं वहां हमेशा खटकते ही हैं। लेकिन दोस्तों, जिनके घर में हमेशा कलह बनी रहती है, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मेरा आज का यह वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में लड़ाई झगड़ा को शांत करने के लिए मैं एक बहुत ही बेस्ट उपाय बताने वाला हूँ, जिसका प्रयोग करके आप अपने घर की लड़ाई झगड़ा को तुरंत शांत करा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि वो चार चीजें कौन सी हैं जिनको घर में रखने पर वो लड़ाई झगड़ा का कारण बनती हैं, तो उन चीजों को तुरंत ही घर से बाहर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वह हैं, नंबर एक, बिजली के फूके हुए उपकरण। दोस्तों, आपके घर में टीवी, पंखा, ये सभी चीज तो चलती हैं, बिजली के जितने भी उपकरण हैं, बल्ब है या कोई भी चीज है, फूका हुआ है तो आपको या तो उसे तुरंत सही करा देना चाहिए, और नहीं सही हो रहा है तो उसे घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीजें घर में रखने से लड़ाई झगड़ा का कारण बनती है। इसकी दूसरी जो चीज है दोस्तों, वह है टूटी हुई मूर्ति। अगर आपके घर में भगवान की या किसी देवी देवता की घर में टूटी हुई मूर्ति है, तो दोस्तों ऐसी मूर्ति को घर में रखने पर वास्तु दोष लगता है, तो उसे तुरंत ही घर से बाहर कर देना चाहिए। और इसकी तीसरी चीज है दोस्तों, फटा हुआ कपड़ा। अगर आपके घर में किसी बच्चे का या खुद का या फटी हुई साड़ी, कोई भी चीज, फटा हुआ कपड़ा आप अपने घर में ना रखें। पुराना तो रख सकते हैं, उसे साफ करके धो करके आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन फटा हुआ कपड़ा अपने घर में रखेंगे तो दोस्तों इसमें वास्तु दोष लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह नेगेटिव प्रभाव घर में डालता है, तो ऐसी चीजों को आप बिल्कुल घर से बाहर कर लें। और दोस्तों, चौथी चीज है बासी रोटी। हर घर में शाम को खाना खाने के बाद में दो चार रोटी तो हर घर में बच ही जाती हैं, तो दोस्तों वह सुबह बासी रोटी मानी जाती हैं, तो ऐसी रोटी को आप अपने घर में ना रखें, उन्हें तुरंत ही किसी कुत्ते को या किसी अन्य जानवर को खिला दें, लेकिन घर में उस चीज को ना रखें। ये चार चीजें दोस्तों आप अपने घर से बाहर कर दें तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, आप जो जिस घर में हर समय 24 घंटे कलह रहती है, उनके लिए मैं उपाय जो बता रहा हूं आप उसे ध्यान से समझें। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सोमवार के दिन आप घर में महिलाएं जो गेहूं पिसवाने के लिए पीसना करती हैं, और उसको करने के बाद में उसमें आप 38 दाने काले चना के मिला लें, जिस अनाज में, जो भी अनाज हो आपका, उस अनाज में 38 दाने काले चने के मिला लें, और 11 पत्ते तुलसी के, ये दोनों को मिक्स करके और आप उस अनाज को पिसवा लें। दोस्तों, उस अनाज को पिसवाने के बाद में, और जैसे ही जैसे उस अनाज की जो घर में खाना रोटी खाता जाएगा, उसकी बुद्धि से वास्तु दोष का प्रभाव हटता जाएगा और वह, उसका मन शांत होता जाएगा, वह लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल उपाय है, आप इसे जरूर करें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा को शांत करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।